जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल सुनीता जी के किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने जा रही है हम सबकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रेसिपी। जी हाँ, आज हमारे किचन में बनने जा रही है आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम इसे बनाएंगे और इसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी आज हम बनाएंगे। आपने पहले भी इसे बहुत बार ट्राई किया होगा, पर आप एक बार इस तरीके से इस सब्ज़ी को ज़रूर बना के देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। आलू गोभी मटर की एकदम टेस्टी सी सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ले ली हैं जिन्हें हम अच्छे से वॉश करके कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4 से 5 आलू ले लेंगे जिन्हें हमने कुछ इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर हम 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे जिन्हें हम एकदम अच्छे से बारीक कट कर लेंगे। 100 ग्राम लगभग हम यहाँ पर गोभी ले लेंगे, आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 12 से 13 हम यहाँ पर लहसुन की कली ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। यहाँ पर हम 1 कटोरी लगभग फ्रोज़न मटर ले लेंगे। 4 से 5 हम यहाँ पर हरी मिर्च ले लेंगे। आप जितना तीखा खाते हो आप उस अनुसार से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर धनिया ले लेंगे। 1 चम्मच हम यहाँ पर जीरा, 1 हमने यहाँ पर साबुत लाल मिर्च ले लिए, 1 हम यहाँ पर तेज़पत्ता ले लेंगे। 1 चम्मच यहाँ पर हमें 2 जगह जीरा लेना है, तो 1 चम्मच हम यहाँ पर जीरा और 12 से 13 हम यहाँ पर साबुत काली मिर्च ले लेंगे। 2 छोटी चम्मच हम यहाँ पर हल्दी पाउडर ले लेंगे। 3 छोटी चम्मच हम यहाँ पर धनिया पाउडर ले लेंगे। 1.5 छोटी चम्मच हम यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे और 2 छोटी चम्मच हम यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ले लेंगे। अब इन सब चीज़ों से हम अपनी एकदम टेस्टी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक एक करके सब चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम प्याज को एकदम अच्छे से बारीक कट कर लेंगे। गैस चालू करके कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें 1 बड़ी चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तब तक यहाँ पर हम एक पेस्ट बना लेंगे जिसके लिए यहाँ पर हम हरी मिर्च, लहसुन और जीरा, साबुत काली मिर्च, इन सब चीज़ों को ग्राइंडिंग जार में अच्छे से पीस लेंगे। तेल के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें जीरा, तेज़पत्ता, लाल मिर्च डाल देंगे। इन सब चीज़ों के अच्छे से चटक जाने के बाद हम इसमें प्याज डालकर इसे अच्छे से हम भून लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, जब ये हल्का सा कलर चेंज होने लग जाए ना इसका, उस स्टेज पर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तब तक के लिए हम इसी तरीके से इसे अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे प्याज एकदम अच्छे से भुन चुके हैं। इसके बाद इसमें हम गोभी ऐड करके इसे अच्छे से आपस में मिला लेंगे और इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट इसी तरीके से कुक होने के लिए रख देंगे। जब ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए तो इसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तब तक यहाँ पर साइड में हम टमाटर को एकदम अच्छे से रफली चॉप कर लेंगे। वैसे आलू गोभी मटर की सब्ज़ी आपने पहले बहुत बार ट्राई की होगी, पर आप एक बार इसे इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोभी जो है वो हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें आलू डालकर इसे भी अच्छे से आपस में चला लेंगे और इसे भी हम लगभग 1 से 2 मिनट कुछ इस तरीके से कुक कर लेंगे। और ये जल्दी अच्छे से कुक हो जाए इसलिए हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे अच्छे से आपस में मिला लेंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर आलू के अच्छे से कुक हो जाने के बाद हम इसमें फ्रोज़न मटर ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से आपस में चला लेंगे। यदि आप नॉर्मल मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे पहले डालिएगा। इसके बाद इसी के साथ साथ हम इसमें जो हमने रफली चॉप किया था ना टमाटर को, हम उसे भी ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से आपस में चला लेंगे। अब यहाँ पर हम सब चीज़ों को अच्छे से ढक कर 10 से 15 मिनट कुक करेंगे। यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है और इस फ्लेम पर हम सब चीज़ों को अच्छे से कुक कर लेंगे। तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि जो नीचे से ये जलना ना स्टार्ट करे। तो इस तरीके से हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और आप देख सकते हैं टमाटर हल्के से गलना भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर, ये सब चीज़ें एकदम अच्छे से कुक हो चुके हैं। इसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था ना हरी मिर्च, लहसुन, जीरा, इन सब चीज़ों का, तो हम उसे डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद हम इन सब चीज़ों को एकदम अच्छे से आपस में मिला लेंगे और यहाँ पर हम इसे 2 से 3 मिनट लगभग
कुक होने के लिए रख देंगे, ताकि जो मसाले हैं ना वो एकदम अच्छे से इन सब के साथ मिल जाए और अच्छे से कुक हो जाए। तब तक यहाँ पर हम धनिया को एकदम अच्छे से कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें लगभग 2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। आपको जितनी ग्रेवी की थिकनेस चाहिए होगी आप उस अकॉर्डिंग इसमें पानी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। यदि आपको ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहिए होगी तो आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड कीजिएगा। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे और इसे हम ढक कर आराम से मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे 15 से 20 मिनट कुक होने के लिए रख देंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एकदम टेस्टी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हम इसे ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बनाएंगे। तो इस स्टेज पर अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, क्योंकि इसे आप लास्ट में ऐड कीजिएगा। इससे जो सब्ज़ी का टेस्ट रहेगा ना वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। लास्टली हम इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करते हुए इसे अच्छे से हम चला लेंगे और यहाँ पर हमारी एकदम टेस्टी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और अपनी एकदम टेस्टी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी को अब हम चलते हैं सर्व करने। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी में कुछ गलती लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम उन सब चीज़ों को अच्छा कर सकें। हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में, ताकि हम कुछ ऐसी नई नई रेसिपी आप सभी के लिए लाते रहें। तब तक ले दीजिए इजाज़त। जय श्री श्याम। राधे राधे।